सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये मैं हूँ और ये मेरा फ़ोन है और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हम आ चुके हैं आज यहाँ पे सैंपल पेपर 4 पे आ चुके हैं। तो चलिए 4 को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आपके सामने जो पहला सवाल ये है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन C4H10। आपके पास ब्यूटेन दिया है, सो ब्यूटेन में कार्बन कितना होता है? 4 होता है। 1, 2, 3, 4। और बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर कितना बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कितना कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो टोटल 13 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। स्टेट 1 रीजन फॉर प्लेसिंग मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में हमने क्या किया, एक ही ग्रुप में मैग्नीशियम को और कैल्शियम को रखा। अगर आपने पीरियडिक टेबल को देखा होगा तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों ग्रुप नंबर 2 में हैं। तो ग्रुप 2 में क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम का, क्योंकि अगर मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2, 8, 2, और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 8, 2। सो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, तो इसीलिए मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और कैल्शियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है। तो इसीलिए इन दोनों को रखा गया है ग्रुप नंबर 2 में। वाले ग्रुप नंबर में ग्रुप नंबर 2 है, तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा। अब जैसे ग्रुप 2 में जो प्रेजेंट है वो है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 2 में प्रेजेंट है और इन सब एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है, मतलब आउटर शेल में सबके 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। टू सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई आर टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपके पास दो सॉल्यूशन रखा है, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। दोनों को आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर में चेक किया। सॉल्यूशन एक्स टर्न्स ऑरेंज, वेयर आज सॉल्यूशन वाई टर्न्स रेड। तो आपने ये पाया जो सॉल्यूशन एक्स था वो यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऑरेंज कलर आपको देता है और जो वाई होता है वो आपको रेड कलर दिया। तो सवाल में आपसे ये पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? अगर आपको पता होगा, आपने अगर पीएच स्केल को देखा होगा तो पीएच स्केल जो होता है, मैं येलो से कर देता हूँ, ये मान लीजिए आपका पीएच स्केल है और ये है ब्लैक वाला लाइन जो है ये न्यूट्रल लाइन है, बीच वाला जिसका पीएच 7 होता है, पीएच 7। जितना आप लेफ्ट की तरफ आओगे, लेफ्ट की तरफ आपको ऑरेंज कलर दिखेगा,
और जैसे जैसे आप और लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ से रेड कलर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड कलर है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है किसके मुकाबले, ऑरेंज के मुकाबले। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया, जो एक्स हो गया वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा क्योंकि उसका कलर ऑरेंज है। लेकिन जो वाई है, जिसने यूनिवर्सल इंडिकेटर में अपना कलर रेड दिया है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और एक बार मैं स्केल को बना के आपको समझा देता हूँ। ये मेरा पीएच स्केल है और ये बीच में 7 प्रेजेंट है, बीच में 7। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओगे, जो कलर है, जैसे जैसे आप यहाँ लेफ्ट में जाओगे, सो आपको यहाँ पे ऑरेंज दिखेगा, आप ऑरेंज से रेड की तरफ आप जाओगे। सो ऑरेंज आपका वीक एसिड होगा, लेकिन रेड आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेक ए डिस्टिंक्शन, क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड। आपके पास मेटल है और नॉन मेटल है, सो दोनों को आपको सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड्स। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। नहीं, उल्टा लिख दिया। मेटल को जो ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, या फिर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये दोनों मेटल के ऑक्साइड हैं, लेकिन ये बेस की तरह भी रिएक्ट करेंगे और एसिड की तरह भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ये एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन ऑक्साइड देगा, और इसका जो नेचर है बच्चों, इसका नेचर एसिडिक है। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने ले लिया, इसका जो नेचर होगा, इसका नेचर होगा न्यूट्रल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोलन ग्रेन। अब मान लीजिए कि ये कोई पोलन ग्रेन है। अब इसके पास कितने मेल गैमेट्स हैं? द आंसर इज 2। एक पोलन ग्रेन के पास 2 ही मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मेंशन द रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ लॉन्ग्स एंड एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ किडनी। लॉन्ग्स का रेस्पिरेटरी यूनिट होता है बच्चों अल्वियोलाई, और किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, दैट इज नेफ्रॉन, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9। नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज सेम इन ऑल द रजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपके पास जितने भी रजिस्टर्स हैं, आपने सारे रजिस्टर को सीरीज में लगाया है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी जो सीरीज कनेक्शन में सेम रहेगी? क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो करंट है, या फिर रेजिस्टेंस है? और इसका जो आंसर होगा, दैट इज करंट होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ
एक ही पाथ होता है, तो पाथ एक है। अभी जैसे ये एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा रजिस्टर और सारे रजिस्टर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है जिस पाथ में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो पाथ एक है तो करंट भी सेम ही होगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नहीं, यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी दिया है 9 नंबर में। शूड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर लो और हाई। जो वोल्टमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है ये हाई होता है या फिर लो होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वोल्टमीटर का। यहाँ पे वोल्टमीटर है और यहाँ पे एमीटर है। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली हाई होगा। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली लो होगा। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई है इसीलिए तो हम करंट को पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो करंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको हम मेजर कर पाते हैं कि करंट कितनी स्पीड से आ रही है। एमीटर का रेजिस्टेंस कम है इसीलिए थ्रू एमीटर या फिर थ्रू द वायर इलेक्ट्रिक करंट आपका बहुत आराम से पास करता है। एमीटर का रेजिस्टेंस कम है इसीलिए थ्रू एमीटर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। लेकिन वोल्टमीटर के केस में क्या होता है, वोल्टमीटर में आपका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। 3 स्टूडेंट्स ए बी सी फोकस्ड ए डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ ए कॉनकेव मिरर। Determine focal length of the concave mirror. They measure the distance as given below. तीन बच्चे थे जिन्होंने तीन concave mirror लिए हुए हैं। वो दूर में एक बिल्डिंग खड़ी है तो वो बिल्डिंग की जो तस्वीर है उसे फोकस करना चाहते हैं। थ्री स्टूडेंट्स ए बी सी फोकस्ड ए डिस्टेंस बिल्डिंग ऑन ए स्क्रीन। और ये इमेज को एक स्क्रीन पे बना रहे हैं। तो इमेज तो स्क्रीन पे बना रहे हैं। टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर दे मेजर द डिस्टेंसेस आज गिवन बिलो। तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए तीनों ने क्या किया, सबसे पहले ए स्टूडेंट ए फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन। तो मिरर से स्क्रीन की जो दूरी है किसने मेजर किया, स्टूडेंट बी ने क्या किया, फ्रॉम बिल्डिंग टू द स्क्रीन। बिल्डिंग से मतलब ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन के बीच में जो दूरी है उसको मेजर किया स्टूडेंट सी। फ्रॉम बिल्डिंग टू द मिरर, बिल्डिंग से मिरर की जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है हु मेजर द फोकल लेंथ करेक्टली। तीनों में से कौन है जिसने फोकल लेंथ को सही मेजर किया। सो इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपका मिरर ये है कॉनकेव मिरर और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैक कलर में।
आपका प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस को, ताकि दिखाई दे। यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और जो लाइट है बच्चों इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, लेकिन ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइट रे है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल, ए से पैरेलल आ रही है। तो लाइट रे पैरेलल आने के बाद जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो हमेशा फोकस से पास करती है, हमेशा फोकस से पास करती है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या था, फोकल लेंथ निकालना था, क्लियर है? यहाँ पे हमें फोकल लेंथ निकालना था। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना था, तो सिंपल हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ये कि ये हमारा मिरर है, और हमें सिंपल ये मिरर से ये फोकल लेंथ, बस इतनी सी दूरी हमको मेजर करना है ताकि हमको फोकल लेंथ मिल पाए। और ये काम किसने किया था, ये काम किया था ए ने किया था। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। बात एकदम क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द किसी को यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैं हूँ और ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, और हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं हो रही है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक प्रिज्म का सवाल दिया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? अच्छा जी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका होगा, कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, और ब्लैक कलर में ये हो गया आपका नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वाई हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर? वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए उसके बाद हम देखेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा होगा? चलिए तो सॉरी, तो इसी डायरेक्शन पे आपकी लाइट निकली है, और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल और एंगल ऑफ सॉरी नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, नॉर्मल को मैंने दिखाया है ऑरेंज कलर से और इमर्जेंट को ब्लैक कलर से, इमर्जेंट रे। तो ये जो एंगल बना है पी, ये पी हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है? सो वाई पी, तो इसका मतलब और देखना नहीं है मुझे, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया है 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, इनमें से कौन सा टर्म पावर नहीं है? तो देखो भाई, पावर नहीं है। सो पावर की जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका VI, दूसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन आई स्क्वायर आर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है,
नहीं, यहाँ उल्टा लिखते हैं शायद, आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर है, ये आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर कुछ नहीं होता। अभी देखो जो पावर की जो फॉर्मूला है, एक सेकेंड, हाँ अभी देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है W अपॉन टी होता है। सो W का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू एच अपॉन टी, एच का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, टी से टी गया तो बचा कौन, आई स्क्वायर आर। तो इसका मतलब आई स्क्वायर आर होता है लेकिन आई आर स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं होता, आई आर स्क्वायर कुछ नहीं होता। तो ये मेरा बिल्कुल ही गलत जवाब, ठीक है। चलिए फिर